भक्ति मंदिर में हुरी मचाई मचाई, 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 भक्ति मंदिर में होरी मचाई मचाई, भक्ति मंदिर में होरी मचाई, भक्ति मंदिर में होरी मचाई, भक्ति मंदिर में होरी मचाई। मनगढ़ की गलियों में देखो धूम मची है आज, बाल बाल और गोप गोपियाँ झूमे सकल समाज, धरा गगन में हर्ष है छाया बजी मुरलिया साज, मोर मुकुट पीतांबर धारी आ पहुँचे ब्रजराज, सखी आ पहुँचे ब्रजराज, बोलो जय कन्हैया लाल की, होरी है हाँ होरी है। मनगढ़ में उड़त गुलाल होरी का जवाब नहीं, मनगढ़ में उड़त गुलाल होरी का जवाब नहीं, जवाब नहीं जवाब नहीं जवाब नहीं जवाब नहीं, मनगढ़ में ओ मनगढ़ में उड़त गुलाल होरी का जवाब नहीं, भक्ति धाम में उड़त गुलाल होरी का जवाब नहीं, राधा
भक्ति धाम में उड़त गुलाल होरी का जवाब नहीं। राधे राधे, मैं कैथल हरियाणा से हूँ और मेरे परिवार में सबसे पहले महाराज जी के संपर्क में मेरी मम्मी आई थी। वो बहुत भटक रही थी, फिर आखिर में उनको पता चला कि जो महाराज जी ने बताया है वही रास्ता सही है। तो काफ़ी टाइम तक मैं उनको ऐसे ही सुनती रही टीवी पे, मेरी मम्मी सुनती थी क्योंकि, लेकिन मुझे, मैं बोर हो जाती थी। मुझे ये लगता था कि मेरे सीरियल्स मिस हो गए हैं, मेरे कार्टून्स मिस हो गए हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मैंने उनको जाना, उनकी बातों को समझा, तो मुझे भी पता चला कि यही सही रास्ता है आनंद को पाने का। और मुझे ये कह सकते हैं कि मैं एक पाप आत्मा हूँ जो इतने लंबे टाइम तक उनको जानने के बाद भी उनसे विमुख रही हूँ। लेकिन अब जबकि मुझे सब कुछ समझ आ गया है अच्छे से, तो महाराज जी ने मुझे मौका दिया है। मैं पहली बार मनगढ़ धाम में आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे होली सेलिब्रेशन हुआ और दीदियों ने जो फूलों की वर्षा की, ऐसा लग रहा था जैसे
ब्रज रस हम पर गिर रहा है और मुझे बहुत आनंद आया। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोल पाऊँ इतनी मैं सक्षम तो नहीं हूँ, लेकिन बस इतना ही कह सकती हूँ कि इस संसार में अगर कोई सही राह दिखाने वाला है तो वो जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ही हैं। इनके अलावा और कोई रास्ता नहीं है आनंद तक पहुँचने का। जो जगत गुरु श्री कृपालु परिषद की जो तीनों प्रेसिडेंट हैं, हमारी तीनों दीदियाँ, वो दिन रात मेहनत करती हैं कि हमारे लिए अच्छी से अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल करा सकें, और यहाँ पर इतना अच्छा बंदोबस्त है हर चीज़ का, वो बिल्कुल भी विश्राम नहीं करती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद 2 घंटे भी वो मुश्किल से नींद ले पाती होंगी, क्योंकि हर वक्त उनको कुछ ना कुछ काम रहता है। वो हर हमेशा इसी सोच में रहती हैं कि कैसे वो हमारे अनुभव को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बना पाए। मेरा नाम अभिमन्यु सिंह है, मैं मिर्ज़ापुर से आया हूँ, यूपी से ही हूँ। मैं इस साधना के बारे में क्या बताऊँ, हमारे श्री महाराज जी और तीनों दीदियाँ, और इन अनुभव में तो ये फील हो रहा है कि हम पता चला कि इंसान के जीवन का असली लक्ष्य क्या है, हम उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं। ये साधना में हमें उस मानव दुनिया से अलग फील होता है, हम अलग अनुभव करते हैं, जिसके बारे में हम जैसे लोगों के पास शब्द ही नहीं कि हम क्या बता सके अपने श्री महाराज जी के बारे में। और साधना से बहुत अच्छा फील होता है। जगत गुरु कृपालु परिषद के जो हमारे तीनों दीदियां प्रेसिडेंट हैं, उनके बारे में क्या बताएं, वो तो हर पल हर क्षण हमारे कल्याण के लिए लगी रहती हैं। हर समय किसी भी क्षण वो ऐसा लग भी नहीं करता हम जैसे लोगों को कि वो आराम भी करती होंगी, हमारे लिए हर आधे घंटे पे हर समय एकदम से तत्पर खड़ी रहती हैं कि हम अपने बच्चों को, अपने इन जीव बच्चों को कैसे भगवत प्राप्ति के मार्ग को दिखा सकूं। वो हमारे लिए दिन रात मेहनत करती रहती हैं और हमारे कल्याण के लिए वो बिल्कुल आराम भी नहीं करती हैं, और हमें भगवत प्राप्ति के रास्ते पर ले जाने के लिए दिन रात मेहनत करती रहती हैं। राधे राधे। मेरा नाम आकांक्षा प्रजापति है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मैं यहाँ पर होली शिविर अटेंड करने आई हूँ मनगढ़ में। मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब मेरी 25 सालों की सबसे बेस्ट होली है यहाँ पर महाराज जी के साथ। हमारे श्री महाराज जी से उन्होंने लाइफ में हमें बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर किया है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। उन्होंने हमें बताया है कि एक्चुअल आनंद क्या है, और हम जैसे यंगस्टर्स के लिए लाइक अलग अलग तरीके के शिविर करवाए हैं सो दैट कि हम समझ पाए कि एक्चुअल आनंद क्या है। और श्री महाराज जी ने हमको बताया है कि किस तरीके से साधना करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, उसके लिए रूप ध्यान कैसे करना है, कब करना है, सारी कैसे अभ्यास करना है उनका, छोटी से छोटी चीज़ें उन्होंने हमको सिखाई है। और हम यही चाहते हैं कि श्री महाराज जी हमारे साथ हमेशा रहे। हाँ, डेली लाइफ में भी इधर उधर हमें दिखते हैं, हम महसूस करते हैं कि श्री महाराज जी हमेशा हमारे साथ है। जगत गुरु कृपालु परिषद के प्रेसिडेंट्स तीनों दीदियों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, इवन हमारे लिए उन्होंने यहाँ पर इतना अच्छा शिविर करवाया है, काफ़ी हमारे लिए होली का बहुत अच्छा आयोजन हुआ है सो दैट कि हमको बहुत हम सबको बहुत अच्छा लगा। इवन उन्होंने बताया है कि किस तरीके से हमारी हमको हमारा प्लान करना है डे, और सारी चीज़ें महाराज जी के प्रति उन्होंने सारी चीज़ें अभी भी हम लोगों में जगा के रखी है सो दैट कि हम उनको आगे तक, हम और हमारी आगे की जनरेशन किस तरीके से उनको आगे बढ़ाए, और हम हमेरा हमेशा हमेशा हम हमारा 100% दें सो दैट कि महाराज जी श्री महाराज जी हमेशा याद रहे। मेरा नाम रितु प्रजापति है, मैं जयपुर राजस्थान से आई हूँ। वैसे मैं मनगढ़ कई बार आई हूँ, 15 साल हो गए मुझे जुड़े हुए, लेकिन होली साधना शिविर में मैं फर्स्ट बार आई हूँ, और मुझे यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि मैं पहले क्यों नहीं आई हूँ, क्यों मैंने मिस कर दिया, क्यों मैं नहीं आ पाई, और कोशिश करूँगी कि हर बार आऊँगी। और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती अपनी फीलिंग्स को, पर फिर मैं ये कहूँगी मैं कि अगर होली अगर असली कहीं मनी है, कहीं लाइफ में मैंने कहीं देखी है, तो मैंने यहीं देखी है। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के बारे में मैं नहीं बता पाऊँगी। महाराज जी सब कुछ है, महाराज जी बिना कुछ नहीं है। महाराज जी मुझे मैंने महाराज जी को जब फर्स्ट टाइम देखा था तो मैं सोच रही थी, मैं क्या ढूंढ रही थी, शायद मैं यही
यही पाना चाह रही थी। और मैं महाराज जी को देखकर मेरे मन में यह आया कि पहले क्यों नहीं आ पाई मैं, इतने साल मेरे कैसे जिंदगी में निकल गए महाराज जी के बिना। महाराज जी हमारे सब कुछ है, हर जगह मुझे दिखते हैं महाराज जी, और महाराज जी ने बहुत इंस्पायर किया है। महाराज जी की फिलोसॉफी कोई नहीं बता सकता, ऐसी फिलोसॉफी महाराज जी जो बताते हैं वो सुनने के लिए मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ थी अब तक। और महाराज जी ने जो सिखाया है, कोशिश करती हूँ मैं कि मैं उस रास्ते पर चलूँ और आगे बढ़ूँ, भगवत प्राप्ति तक जा सकूँ। महाराज जी हमेशा मेरे साथ रहे, और महाराज जी कहते हैं कि जब तक भगवत प्राप्ति नहीं कराऊँगा मैं हमेशा साथ रहूँगा। जगद्गुरु कृपाल परिषद की प्रेसिडेंट्स हमारी तीनों दीदियाँ, वो इतनी ही मेहनत करती है, इतना अपना वो देती हैं, उनका दिखते ही उनकी मेहनत, वो मतलब खुद सबके लिए तत्पर रहती हैं। कैसे मैं महाराज जी के हर चीज़ को मैं आगे बढ़ाऊँ और प्रोग्रेस कराऊँ ताकि और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, चाहे वो सोशल मीडिया से हो चाहे कैसे भी हो, लोग और ज़्यादा से ज़्यादा आए। और दीदियों को देखकर ही ऐसा लगता है कि मतलब महाराज जी को देख लिया, मुझे दीदी को देखकर भी वही फीलिंग आती है। और दीदियाँ बहुत कुछ करती है और रोल मॉडल है हमारे सबके लिए, और स्पेशली विमेंस, आज इंटरनेशनल विमेंस डे है तो मैं ये कहूँगी कि हर औरत को उनसे सीखना चाहिए कि कितना कुछ वो मतलब करती हैं इस संस्था को बढ़ाने के लिए, महाराज जी के प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए, वो जितना करती है ना बताने लायक नहीं, इतना ज़्यादा वो करती है। राधे राधे। राधे राधे। मैं सोनल राउत हैदराबाद तेलंगाना से आई हूँ। मैं फर्स्ट टाइम होली साधना के लिए आई हूँ। मैं ऐसी होली कभी देखी नहीं है, और ऐसे होली का उत्सव देखते मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बाहर जो होली खेलते कलर वाली, ऐसे सिर्फ मुझे पहले लगता था हाँ वैसे खेलते, लेकिन ये जो ईश्वरीय क्षेत्र की जो है होली है, मुझे यहाँ पे दीदी के साथ होली खेलना बहुत अच्छा लगा। ऐसे दीदी के साथ होली खेलते ऐसा फील होता है हाँ महाराज जी अम्मा जी हमारे बीच में है, ऐसा कहीं लगता नहीं कि महाराज जी हमारे मतलब बीच में नहीं, हर जगह पे साथ लगते हैं। हाँ महाराज जी ने जो पद बनाया हर एक पद में ऐसा अनुभव होता है हाँ साक्षात राधा कृष्ण हमारे सामने हैं, हम उनको फील कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम में जब महाराज जी से दर्शन हुए ऐसे मतलब एक अंदर से एक भावना हो गई कि एक हाँ मैंने मतलब हाँ यही भगवान है, यही सब कुछ है हमारे लिए और कुछ नहीं है। जगत गुरु कृपालु परिषद की प्रेसिडेंस हमारी तीनों दीदियाँ हमारे सभी सत्संगी के लिए इतना अथक परिश्रम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करके हम लोगों को बार बार ये उपदेश देते हैं कि हाँ आप लोग साधना करो, रूप ध्यान करो, ये अगला क्षण मिले ना मिले, ये मतलब बार बार हमको रियलाइज कर देते हैं कि हाँ भाई साधना करो आप लोग, जल्दी करो। राधे राधे। मेरा नाम प्रदीप भुवाल, मैं छत्तीसगढ़ बेमेतरा से है, और जो महाराज जी की कृपा मेरे ऊपर बरसी है उनका एक बुक पढ़ के प्रेम रस सिद्धांत, और वैसे महाराज जी को हमारे घर में बचपने से देखा जाता है कि टीवी चल रहा और हम उनके प्रवचन सुनते थे, लेकिन समझ उतनी नहीं थी बचपने में। जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो उनके हर प्रवचन हमारे हर सवालों का जवाब देते थे। हम जब फंसे होते थे तो उन्होंने ही हमें बताया कि अपने अहंकार से भी आप बड़ा हो सकते हो, जो एक दिव्य प्रेम है, एक आत्मा की भूख है, भगवान कृष्ण के साथ योग लगा सकते हो भक्ति से, और जो आपके ऐसे लोग हैं आपकी दुनिया में जो आपका अच्छा नहीं चाहते, उनमें भी भगवान का रूप देख के आप सरेंडर और एक्सेप्टेंस से भगवान को प्राप्त कर सकते हो। होली साधना शिविर में हर दिन ऐसे होली मना के बहुत अच्छा लगता था, इतने मतलब गूंज होते थे भगवान कृष्ण के, ऐसा आनंदित माहौल हो जाता था कि हर किसी की आत्मा की भूख यही है जो वहाँ पे आके उसको पूर्णता मिल रही है। और दीदी लोग जो हैं वो मतलब उनके ही अंश है हमारे महाराज जी के, उनमें भी वो ऐसा कंपैशन है जो पूरे मानवता के हित के लिए इतनी सारी चैरिटी करती है, जो ज़रूरतमंद को उनकी ज़रूरी चीज़ मिलती है जिससे।